लोगों ने कब मजे। पहचानना शुरू किया? और कोई किस्सा है, फैन रिएक्शन कोई जिसपे हाँ आपको भी मजा आ गया, यार अब तो लोग भी पहचानते हैं मुझे? हम गए थे लकी वन मॉल में गए थे, ये पता नहीं मेरा कौन सा ड्रामा तब चल रहा था, उसमें मेरा मतलब इनके कोई ऐसा कैरेक्टर था जो लोगों को रजिस्टर कर लिया लोगों ने। तो हमारे सारे दोस्त जो हम इस्लामाबाद की जो लौट आई हुई थी, जिसमें शफ़की भाई थे, ताहा और इनकी फैमिली थी, निदा भी थी हमारे साथ, हम सब लोग वहाँ पे थे, लकी वन में घूम रहे थे, देख रहे थे आगे पीछे। तो एकदम से एक खातून आती हैं आगे, कहती हैं कि मेरी बेटी ने आपके साथ तस्वीर लेनी है, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैंने एकदम से पीछे ऐसे करके देखा, मैंने कहा आप मुझसे किससे भी? बात कर हाँ रहे हैं? मुझसे कहते हैं हाँ हाँ आपके साथ ही, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैंने कहा अच्छा आपने, चलें ठीक है बुलाएं उनको प्लीज़। आई, उन्होंने तस्वीर ली, उन आंटी ने भी तस्वीर ली, और तस्वीर लेकर चले गए। तो फिर अब वो जो सब लोग थे वो मुझे, मेरे साथ जितने भी, अरे उम्र वाह भाई क्या उनकी बात, तो टौर हाँ बन बिल्कुल गई। वही वाले, उन्होंने कहा हाँ देखो भाई हाँ देखो स्टार हमारे साथ हाँ अब। और मैं भी अंदर से, वो फैन जब आपको मिलते हैं तो ऑफ आपकी एक कोर्स, खुशी तो होती है, बिल्कुल। मैं भी अंदर से खुश। मैंने कहा यार मुझे मुझे ये नहीं समझ आ रही, उन्होंने मेरा काम कौन सा देखा है ऐसा, जो कि मतलब मैंने इतना कोई ऐसा काम किया भी नहीं इतना बड़ा। लेकिन फिर भी वो मेरा जो एक फैन मोमेंट था ना, वो मेरे लिए अभी तक आज तक याद है मुझे। ये जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आप करते हैं, रोल भी इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उसमें कोई ना कोई मटेरियल होता है। जितने मैंने आपके देखे, ट्रीटमेंट कैसी होती है सेट पे? कभी फील होता है, कभी इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा आता है, या देर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट? रियलिटी क्या है? सॉरी टू कट, बिकॉज जब मैं आपके क्वेश्चंस लिख भी रही थी तो मैंने ये बात सोची कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक उस एक्टर से बात करने की, उस इंसान से बात करने की जिसने स्ट्रगल, और उसने जर्नी में, वो जो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप पे भी शायद मिनी स्टेप था वो लेके वो यहाँ पहुँचे, और अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, आई एम श्योर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, और हमें एक यू नो एक कहानी मिलेगी फॉर और बहुत से लोग जो आप जैसे हैं, क्योंकि हर कोई तो कुछ स्टार्स की तरफ इवेंचुअली विद इन यू नो 2 ईयर्स टॉप ड्रामा नहीं कर बिल्कुल पाता। यू ऐसा नो है देयर फोर बिल्कुल। फाइव नेम्स जिनको ये मिलती अपॉर्चुनिटी, या ऐसा होता है। तो क्या है ये, कैसा होता है? एक और मैं आपको बात बताऊं, एक दफ़ा मैं एक सेट पे गया था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मुझे बेसिकली वो इसी तरह कॉल करते थे, कल हाँ कल फ्री हो, रात में कॉल आती थी, हाँ उमर कल फ्री हो, हाँ ये एक सीन है टॉकी है ठीक है और पहुंच जाना, ये ऑफिस का सीन होगा, ऑफिस कपड़े लेके अभी एडी को कॉल कर रही हूँ, वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा, और एडी बताता है ये करके आ जाना ठीक है। अब मैं चला गया उस सेट पर, सुबह उन्होंने तकरीबन 9 बजे बुला लिया मुझे। तो वो उस ड्रामे के लिए मैं गया वहाँ पे, ऑफिस में छूट थी, सुबह 9 बजे पहुँच के बैठे 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 आपका पहले वो, फिर आई हिबा बुखारी, आई हिबा बुखारी जो है वो कह रही थी उनका सीन, कहते पहले ये वाले सीन कर लें, हिबा के सीन कर लें, हिबा रेडी है, तो बाकी फिर किसी और का वेट कर रहे थे, किसी और एक्टर का, वो नहीं पहुँच पाए थे। तो फिर करते 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 वो डायरेक्टर ने एन वक्त पर सीन ही चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं कर रहे। तो फिर मैं सुबह से बैठा हुआ, मैं वेट कर रहा, मैं उनसे पूछ रहा मुझे बता दें क्या सीन है, मैं सीन कर रहे कर रहे, हाँ मैं भी बता रहा बता रहा बता रहे, मुझे आप शर्ट दे कपड़े दे दे कपड़े। पहले किसी और जगह पे शूट कर रहे थे, वहाँ पहुँचा मैं, फिर वो लेकर दूसरे ऑफिस में गए, वहाँ उस ऑफिस में सेटिंग नहीं बनी जहाँ पे वो पहले शूट कर रहे थे, तो मेरा बैग उधर ही रह गया उस ऑफिस में, कहते कपड़े दे दो, मैंने कहा यार कपड़े क्या दूँ, मेरा बैग उधर रखे थे, अच्छा चलो बैग मंगवाते हैं, आपका बैग मंगवाया, बैग आया, फिर मैंने कहा कपड़े, फिर मैं वेट करूँगा कपड़े लेने नहीं आए, कपड़े ले लें प्लीज़ कपड़े ले लें मुझसे, हाँ लेते लेते रुक जा रुक जा। तकरीबन सुबह 9 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक उन्होंने कहा कि खाना खाएंगे, मैंने कहा नहीं मैं सीन के बाद ही खाना खाऊंगा, तो मैं सीन कर लूँ एक दफ़ा तो फिर उसके बाद खाना खाऊंगा, कहा चलो ठीक है आपका ये डब्बा रखा हुआ बिरयानी का आप खा लें, मैं सही। अब मैं बैठा 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 वेट कर रहा हूँ वेट कर रहा हूँ, पूछो यार मेरा सीन मेरा सीन मेरा सीन मेरा सीन कर लें कल। फिर थोड़ी देर बाद वो एडी आ गया था, हाँ यार वो सॉरी तुम्हें बताना भूल गए, वो तुम्हारा सीन नहीं कर रहे, वो डायरेक्टर ने सीन चेंज कर दिया, तो अब हमें नहीं चाहिए आप, तो आप चले जाओ। उस दिन फिर मैं इतना वो हो गया था कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब करवा तो लेते, मैं कितना प्रिपेयर था, मैं कर अच्छा कर लेता, होता तो सही, मुझे करवाते तो सही यार, मुझे ऐसे उन्होंने छोड़ दिया जाने दिया। लेकिन फिर मैंने गया, मैं घर आ गया, मैंने कहा कि यार वो पूरा दिन मैंने आपको दिया, कहते नहीं आपका अगर सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगी इसकी। अब हम वो दिन थे कि जिसमें मतलब 1500 1500 3 3 हज़ार मिलते थे, 2 हज़ार मिलते थे, तो वो मैंने कहा यार ये कम से कम आ तो रहे हैं सरवाइव साइकिल चलाने ट्रू, के लिए, अपनी चीज़ें करने के लिए, तो उन्हें कहा पैसे भी नहीं मिलेंगे, मैंने कहा ओहो ना ही सीन हुआ ना ही पैसे मिलेंगे, मैं फिर बहुत सैड हो गया। लेकिन आया उन्हें मैंने बताया यार इस तरह, कहते कोई नहीं आगे आगे वाले में आएगा, ठीक है सही है। तो फिर इसी तरह जब मैं सेट्स पे जाता था ना, तो मैं जब सेट पर जाता हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं कहता यार कि प्लीज़ सीन करवा ले मेरा, मैं बस नहीं कहता यार करवा लीजिएगा,
क्योंकि मैंने फेस किया ना ये कि आप आए हो, आगे बैठे हो और आपका सीन नहीं भी हो रहा, तो वो ये सारी चीज़ें देख देख के ना, अब जब मेरा सीन होता है ना तो खुशी होती है मुझे। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस लो कर, हाँ मैंने अब मैंने अब मैं पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया। मैं जाता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बैठता हूँ कि मैं अगर पूरा दिन मैं ऐसे बिल्कुल किसी भी जगह जाके ऐसे बैठता है प्रॉप रखा हुआ वहाँ पे, मैं नहीं कुछ कहता, बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ लोगों जो स्टार्स होते हैं मेरे सामने उनको देखता रहता हूँ कि यार ये देखो कभी एक टाइम आएगा जब मैं भी इसी तरह यहाँ पर होऊंगा इनकी जगह, मेरे सीन पे सीन। वो अक्सर अवकात होता है ना, वो आके कहते यार कितने सीन्स करवाओगे यार, फिर चेंज करो इसी में कर लो, तो मैं देखता था यार ये देखो इतने लकी हैं, इनके इतने सीन्स हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे क्यों सीन्स करवा रहे हैं, कम कर दें, घर भेज दें, ये करते करते करते। लेकिन वो चीज़ जो थी ना वो आती थी, फिर मैं कहता था नहीं उमर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं बहुत उस टाइम पे मैं दुआ करता था अल्लाह प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी दे दें ये सब, ये दे दें मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये मतलब इनके बार बार सीन्स करने हैं, मुझे ढेर सारे सीन्स करने हैं एक दिन में, मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे करना है, मुझे करवाएं, तो मैं दुआएँ करता था। तो फिर वो अल्लाह मियाँ ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी दुआएँ सुनी, मेरे माँ बाप की दुआएँ जो हैं वो मेरे काम आई। अम्मी लोग जो थे वो बहुत खुश होते थे जब मेरा किसी ड्रामे में एक सीन आ, पूछते थे हाँ क्या किया क्या किया क्या किया क्या चल रहा है, मैंने बताता था ये इस ड्रामे में एक सीन करके आए, वहाँ किस एपिसोड में आओगे, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, अब इसी चक्कर में वो सारा ड्रामा देखते थे वो लोग भी बताते थे हाँ तुम आज वाली एपिसोड में आए थे, फिर मैं भी जाके यूट्यूब पर देखता था अरे हाँ कैसा किया सीन, ठीक है ये इस तरह होना चाहिए था इस तरह करके। तो फिर ये मतलब लंबा सफ़र एक चला है आहिस्ता आहिस्ता। इस पॉइंट पे चैलेंज क्या आपका, क्या फील करते हैं आप, डू यू फील कि अब जहाँ पहुँचे यही होना चाहिए था, या लगता है कि यार कुछ अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिल सकती थी बट इंडस्ट्री ऐसी है कि कनेक्शन नहीं है, जान पहचान नहीं है, और कुछ और फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, नेपोटिज्म या यू नो ग्रुपिंग जो हम सुनते हैं, फ्रेंडशिप्स जो शायद आप पे अप्लाई नहीं होती हैं, तो आप और आप जैसे लोग सफ़र करते हैं उससे, आपको क्या लगता है? मुझे जहाँ तक लगता है ना ये नेपोटिज्म की जो बात होती है वो मैं ये समझता हूँ कि लोग जब आप अपनी जेब से कुछ 10 रुपए की चीज़ खरीदते हैं ना तो आप अपने एतबार वाले बंदे से जाके खरीदते हैं कि अगर कुछ चीज़ ख़राब होगी तो हम उसे जाके कह तो देना यार ये देखो क्या चीज़ दी है तुमने। तो इसी तरह से जो लोग फिर वो बनाते हैं बड़ी प्रोडक्शंस करते हैं जिनके करोड़ों रुपये लगते हैं, उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन पर वो एतबार कर सकें। आपको नहीं पता मैं हूँ मैं एक न्यू कमर हूँ, मैं आया हूँ, मैं वो चीज़ दे ही ना सकूँ, मैं अगर चीज़ दे भी दूँ मैं वो सब दे दूँ खरीदने वाले वो खरीदे ही ना, तो वो इसी वजह से ये लोग जो है बहुत ये बात मुझे बहुत शुरू में ही समझ आ गई थी कि ये चीज़ रिस्क पे जो है ना ये लोग नहीं खेलते यहाँ पर इंडस्ट्री में, रिस्क पर नहीं खेला जाता। इट्स नॉट जस्ट नेपोटिज्म, यू टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, वो सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हो सकती है, किसी की पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, फ्रेंडशिप्स भी हो सकती है, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि नेपोटिज्म तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है हमारी इंडस्ट्री का, ये तो नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में है, ये मतलब यानी कि आप सिर्फ मीडिया में नहीं कहें, आप ऐसा ही होता है कि आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, आपको पता चला कि आपका कजन ऐसे फारिग है, आपका कजन जो है वो जॉब ढूंढ रहा है, तो आप कोशिश करते हैं उसको अपने ऑफिस में लगा दें, आप ऑफिस में कहीं एडजस्ट कर दें। हाँ ये है कि अगर वो काम नहीं करने वाला, वो काम नहीं कर पाता, वो वाला काम आपने उसको पोस्ट दे तो दिए वो, लेकिन वो काम उससे होगा नहीं, तो ये फिर जाती है और वो फिर बहुत जल्दी फैसला आ भी जाता है आवाम की तरफ से कि भाई ये तो फारिग है इससे नहीं हो पाता, तो वो फिर आते हैं आके इसी तरह हवा की तरह निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहाँ गए वो लोग। सो आर यू हैप्पी where you are right now? I am alhamdulillah, I'm very happy, I'm really happy to hear that, mujhe aapka attitude bada acha laga, because I think ye bahut se aap jaise log jo struggle kar rahe hain, jo down hote honge, unke liye ek inspiring मोमेंट होगा और उनके लिए गाइडेंस होगा कि करते रहो कोशिश, एक सीन से तीन सीन से पांच सीन से यू नो दो एपिसोड एंड यू नो होता होगा। अक्सर अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तमाशा से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ही बात हो रही थी एक दोस्त से, वो कहता था यार क्या करे नहीं समझ आ रहा कि काम नहीं मिलता इतनी आसानी से यहाँ पे। मैं उसे कहता था यार कि तू देख, तू ये सोच ही नहीं कि तुझे काम नहीं मिल रहा, तू ये नहीं सोच कि तुझे काम नहीं मिल रहा, ये एक नेगेटिव थॉट है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। मुझे भी बहुत ख्याल आता था लेकिन मैं ये नहीं कि सोचता था कि मुझे काम नहीं मिला, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी वो ये होता था कि चलो मैं इन लोगों के साथ तो हूँ ना, मैं इन लोगों के करीब तो हूँ ना, मैं मतलब इतना हूँ कि मैं हुमायूं सईद को सामने बैठा देख रहा हूँ, हुमायूं सईद को सामने चलता देख रहा हूँ, मैं मतलब यानी कि फैसल भाई जो है मेरे सामने, मैं फैसल भाई के साथ बात कर रहा हूँ, सलाम ले रहा हूँ उनसे, मैं मतलब इनके कुछ बेहतर हो रही हैं चीज़ें कुछ। तो यही छोटे छोटे मोटिवेटर्स आपने जो हैं उस टाइम पर निकालने होते हैं, पकड़ने होते हैं, जो आपको आपकी उस जर्नी में आपकी हेल्प करते हैं और आपको आगे लेके जाते हैं। तो मेरे लिए
ये इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी, किसी की शादी पे चले गए, किसी को लाइव देख लिया, किसी से मिल लिया, किसी ने कह दिया यार अच्छा काम किया आपने, यार वेरी गुड, ये चीज़ें मुझे करती थी सब। फिर जो अपने जानने वाले होते वो कहते थे इंशाल्लाह एक दिन आएगा, एक दिन आएगा तू बनेगा, दुआएँ जो लोग देते थे कि तुझे अल्लाह कामयाब करे। तो ये चीज़ें सारी मैंने जो हैं वो नेगेटिव ख्याल मैंने आने आने दिया, लेकिन मैंने अपने सर पर सवार नहीं होने दिया।